तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप लोग का काफी ज्यादा यह कमेंट रहता है कि आधार निकासी का काम चालू करने के लिए किन किन सामान का जरूरत पड़ेगा और दोस्तों कौन सा आईडी लेने का जरूरत पड़ेगा, कौन सा दोस्तों बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा। और काफी लोगों का यह सवाल आता है कि अगर हम आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम चालू करेंगे, यानी कि किसी भी कस्टमर का अंगूठा लगा के दोस्तों आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम चालू करेंगे, तो हम लोग को दोस्तों कौन कौन सा सामान का जरूरत पड़ेगा और कितना इसमें दोस्तों इनकम होगा। काफी लोग यह कमेंट करते हैं कि अगर हम आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम चालू करते हैं तो हमारा इनकम कितना होगा, हमारा डेली का कितना इनकम होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ए टू जेड प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा। पहला चीज में दोस्तों मैं बताऊंगा कि आधार निकासी का काम चालू करने के लिए आप लोग को किन किन सामान का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यह भी मैं बताऊंगा जो आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट रहता है कि हमारे पास जो है सो कितना पैसा होना चाहिए जिससे हम आधार एपीएस का काम चालू कर सके। उसके बाद दोस्तों काफी लोग यह भी कमेंट करते हैं कि हम जो भी पैसा ग्राहक का निकालेंगे वो पैसा कहाँ पे जाएगा। उसके बाद दोस्तों काफी लोग का यह भी कमेंट रहता है कि हम ग्राहक का पैसा कहाँ से ला के देंगे, यानी कि हम कस्टमर को जो पैसा देंगे उसका हम कैश कहाँ से लाएंगे और कितनी कमाई हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ए टू जेड डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यह जो मेरा है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों मैं लगभग 2 सालों से यह काम कर रहा हूँ आधार कार्ड से पैसा निकालने का। दोस्तों मैं अपना जो लोकल मार्केट है उसमें हमारा शॉप है और पहला दोस्तों हमारा गांव में शॉप था। तो दोस्तों मैं सभी डिटेल्स के साथ आप लोग को बताऊंगा। यह दोस्तों कोई भी मतलब ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, रिसर्च किया वीडियो नहीं है दोस्तों, यह जो रियल है वही रियल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कमेंट था कि आधार कार्ड का निकासी करने के लिए कैसे हम चालू करेंगे काम, तो इसमें दोस्तों पहला जो ऑप्शन है आपके पास कि आपको दोस्तों एक एपीएस का आईडी लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो है सो काफ़ी लोग यह कमेंट करेंगे कि हम कौन सा बैंक का एपीएस आईडी लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग आधार एपीएस का काम चालू करना चाहते हैं तो दोस्तों कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बैंक का बीसी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बैंक का बीसी लेने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो कम लागत में काम चालू कर पाएंगे वह है एक प्राइवेट कंपनी का एपीएस आईडी लेके और आप आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टॉप कंपनी है मार्केट में जो दोस्तों अभी चल रहा है वो है दोस्तों स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पे नियर बाय। और दोस्तों यहाँ पे एक दो और आईडी है जिसका दोस्तों मैं यहाँ पे सभी का नाम तो नहीं लिख पाऊंगा इसमें, इसलिए दोस्तों जो यहाँ पे टॉप कंपनी है मार्केट का एपीएस कंपनी उसका दोस्तों मैं यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कोई भी एक कंपनी का आईडी ले लेना है और यहाँ पे आप लोग को कैसे रिटेलर आईडी लेना है दोस्तों उसका फुल वीडियो मैंने बना रखा है कि आप पे नियर बाय का रिटेलर आईडी कैसे ले सकते हैं, यानी कि एपीएस आईडी कैसे लेंगे। तो दोस्तों अगर ये आप यह वीडियो देखना चाहते हैं कि एपीएस आईडी कैसे लिया जाता है पे नियर बाय का बिल्कुल दोस्तों फ्री में, तो उसका वीडियो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला चीज है वो है एक आप लोग को बायोमेट्रिक डिवाइस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों काफी लोग यह सवाल करेंगे कि हम मंत्रा लें या मोरफो लें, तो दोस्तों आप मंत्रा लीजिए या मोरफो लीजिए, जो भी लीजिए दोस्तों आप लोग को अभी जो है सो L1 टाइप का डिवाइस लेना है, यानी कि दोस्तों जो अभी मार्केट में चल रहा है वो है L0 टाइप का डिवाइस, जो कि दोस्तों पुराना है और ये डिवाइस दोस्तों कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए आप जब भी लीजिएगा अभी के टाइम में तो आप लोग को L1 टाइप का डिवाइस लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों डिवाइस के मामले में दो टॉप कंपनी है, एक है मंत्रा और दूसरा है दोस्तों मोरफो, तो इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर बजट की बात की जाए तो मंत्रा दोस्तों लगभग ये आपका जो है सो 3000 के अंदर अंदर आ जाएगा और यहाँ पे मोरफो की बात किया जाए दोस्तों तो ये लगभग 4000 के अंदर अंदर में आ जाएगा। तो आप लोग दोस्तों फर्स्ट टाइम जब लेते हैं तो आप लोग मंत्रा लीजिए। दोस्तों मैं भी मंत्रा से काम कर रहा हूँ और लगभग दोस्तों मंत्रा जो है सो हर जगह पे सपोर्ट कर जाता है, आपका कोई भी काम हो जैसे कि सिम कार्ड सेलिंग हो, बैंक अकाउंट में दोस्तों खाता खोलना हो, आधार कार्ड से पैसा निकालना हो, फिंगरप्रिंट से दोस्तों पैन कार्ड बनाना हो, सभी चीज़ों में दोस्तों मंत्रा जो है सो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। मोबाइल में भी कर जाएगा और पीसी लैपटॉप में भी कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन आता है काफ़ी भाई लोग को कि हम लोग एटीएम मशीन कैसे लगाएंगे, मिनी एटीएम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग मिनी एटीएम लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो भी कंपनी का एपीएस आईडी यूज करेंगे उसी कंपनी के थ्रू से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे
मिनी एटीएम मशीन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका दोस्तों कुछ चार्ज होता है, वह चार्ज आप लोग को पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद दोस्तों आप लोग को मिनी एटीएम जो है सो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अगला हमारा सबसे ज्यादा सवाल आता है कि एपीएस आईडी हम कैसे यूज करेंगे, हम कहाँ पे दोस्तों यूज करेंगे एपीएस आईडी। तो इसका जो जवाब है दोस्तों, आप जो है सो एपीएस आईडी मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में दोस्तों आप लोग को फिंगरप्रिंट जो है सो कनेक्ट करना है। कैसे दोस्तों फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, उसके ऊपर दोस्तों मेरे चैनल पे पहले से वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका दोस्तों फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखा है, कैसे आप लोग को मंत्रा डिवाइस को लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सवाल आता है वो आता है कि कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए एपीएस का काम करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम एपीएस का काम चालू करते हैं तो दोस्तों लगभग कम से कम दोस्तों आपके पास जो है सो 20,000 रुपया होना चाहिए। 20,000 दोस्तों अमाउंट जो है सो काफी ज्यादा कम है, लेकिन दोस्तों आपके पास अगर इतना होगा तो आप जो है सो इससे दोस्तों 200 रुपया कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 200 ही कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कस्टमर ज्यादा आएगा तो दोस्तों 20,000 कब खत्म हो जाएगा सो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 20,000 से लेके लगभग आपके पास कम से कम दोस्तों 1,00,000 रुपये जरूर होना चाहिए अगर आप लोग एपीएस का काम चालू करते हैं। अब काफी लोग यह कमेंट करेंगे कि यह पैसा जो है सो कहाँ से आएगा। तो दोस्तों यह जो पैसा है सो आप लोग को खुद से लगाना पड़ेगा। आपके पास जितना है दोस्तों आप उतना से ही स्टार्ट कर सकते हैं काम। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है कि हम जो भी ग्राहक का पैसा निकालेंगे वो पैसा कहाँ पे जाएगा। तो इसका सवाल है दोस्तों एपीएस का वॉलेट में। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी का एपीएस आईडी लेंगे, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे पेन ईयर बाई का आईडी लिया हूँ, और दोस्तों मैं लगभग जो है सो पेन ईयर बाई का आईडी ही यूज करता हूँ, लगभग 2 साल हो गया। और यहाँ पे आप किसी भी कस्टमर का देखिए एपीएस के थ्रू यहाँ से आप लोग पैसा निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो भी पैसा कस्टमर के खाते से कटता है वह पैसा दोस्तों यहाँ पे आपके वॉलेट में जमा हो जाता है। और आप जो भी कंपनी का एपीएस लेंगे सभी में दोस्तों एक वॉलेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे वॉलेट पे, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे वॉलेट में दोस्तों 6,603 रुपया बैलेंस दिखा रहा है। और दोस्तों अगर इसको जो है पैसा निकालना रहा हमको तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो भी आप पैसा निकालेंगे एपीएस के थ्रू वह सभी आपके वॉलेट में जो है जमा हो जाएगा कमीशन के साथ में। और आप लोग से 1,000 पर मतलब कस्टमर से 10 रुपये का चार्ज भी करना है। उसके बाद दोस्तों हम इस अमाउंट को बैंक में सेटलमेंट करने के लिए दोस्तों विथड्रॉ टू बैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारा यह जो पैसा है देखिए यहाँ से हम विथड्रॉल करेंगे अगर हम इस पेमेंट को, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे एक बैंक लिंक है जो कि है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। और हम यहाँ से जो भी अमाउंट डालेंगे, मान लीजिए अभी हमारा है 6,603 रुपया, तो दोस्तों ये हमारा 6,603 रुपया है, इसको दोस्तों हम कोटक महिंद्रा बैंक जो कि दोस्तों मेरा ये अकाउंट है इसको हम यहाँ से विथड्रॉल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से दोस्तों एक रिसीविंग आ जाएगा जिसमें दोस्तों हमारा 3 रुपया का जो है सो पेमेंट कट जाता है। अगर दोस्तों हम वह इसको अगर हम लेट से थोड़ा करते हैं सेटलमेंट, और दोस्तों अगर हम इंस्टेंट सेटलमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 रुपया का जो है सो पेमेंट कटता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग यह समझ गए होंगे कि हमारा पैसा जो है सो बैंक में कैसे जाता है वॉलेट से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि कैसे जो है सो वॉलेट से बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब दोस्तों हमारा जो अगला सबसे ज्यादा सवाल है वो सवाल है कि हम ग्राहक का पैसा कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों ये जो है सो काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एपीएस का कैश हम कहाँ से लेके आएंगे। तो इसका दोस्तों एक ही जवाब है कि आप मूव टू बैंक कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आप लोग को करके दिखाया। आप लोग दोस्तों पैसा को बैंक में सेटलमेंट कर दीजिएगा, आप जो भी अकाउंट यूज करते हैं, करंट करते हैं या सेविंग करते हैं। दोस्तों अगर आप शुरू में स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप सेविंग अकाउंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है तो आपका जो है सेविंग अकाउंट दोस्तों परफेक्ट वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर
अगर आपका ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि 50,000 मतलब हो गया एक दिन का दोस्तों, 1,00,000 से प्लस हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों आप लोग को एक करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो भी कंपनी का आईडी लेंगे, एपीएस का आईडी, उसका अगर आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कैश मिलता है, तो दोस्तों आप जो भी आपका वॉलेट में पैसा रहेगा वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैश प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो तरीका है वो है कैश कलेक्शन। तो दोस्तों कैश कलेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी है उसको, उसका दोस्तों लोन नंबर होता है, उसका एक होता है फाइनेंस नंबर दोस्तों, उसका एक पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, उसमें आप पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे और वहां से कंपनी आपको कैश प्रोवाइड कर देगा। लेकिन दोस्तों ये सब करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए, लगभग दोस्तों 1,00,000 कम से कम होना ही चाहिए। उसके बाद आप लोग जो भी आपका कैश है, जो भी आपका मतलब पैसा वॉलेट में पड़ा हुआ है दोस्तों, उसको कैश में करवाने के लिए आप लोग पेट्रोल पंप का भी सहायता ले सकते हैं। आप लोग पेट्रोल पंप में दोस्तों आप अपना पैसा जो है उसको ट्रांसफ़र मार देंगे, वहां से आप लोग को कैश मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ तरीके होते हैं, और दोस्तों कई तरह के तरीके होते हैं जो लोग यूज भी करते और पैसा अपना कैश में करते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो होता है दोस्तों कमाई कितनी होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी लोग काम करता है तो सबसे पहले दोस्तों वही पूछता है कि यह काम में कमाई कितना होगा, इनकम कितना होगा, पगार कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अगर आप कस्टमर का डेली दोस्तों 50,000 का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग का 500 रुपये जो सो 1,000 पे अगर आप लोग 10 रुपये चार्ज करते हैं, तो आराम से आपका अगर 50,000 का ट्रांजेक्शन कर देते हैं एक दिन का, तो यहाँ पे 500 का आपका इनकम हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है कमीशन भी दिया जाएगा, जो भी आप कंपनी का एपीएस आईडी यूज करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों कमीशन कुछ ज़्यादा ही नहीं होता है। अगर आप लोग 1,000 निकालेंगे तो आप लोग को 1-2 रुपये जो है कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों वो सब कमीशन जो सो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है अगर आप लोग छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर बड़ा कर रहे हैं दोस्तों तो मायने रखता है। तो आई होप दोस्तों ये सब आप लोग समझ में आ गया होगा। तो कमाई दोस्तों आप लोग समझ गए कि आप लोग के पास जितना ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से दोस्तों कमाई होगा। मान लीजिए अगर आपके आपका एक दिन का 1,00,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोस्तों उसमें आपका एक दिन का 1,000 कमाई होगा और महीने का दोस्तों वहाँ पर 30,000 का कमाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को और कुछ भी सवाल रह गया होगा तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं कमेंट के ऊपर जल्दी से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।